नमस्कार, मैं सास बहू रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मयूरी और ये है मेरे मम्मी जी मिसेस जैना में। तो मम्मी जी, आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम गोंदानू शाक बनाएंगे। ओके, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस जो है, हमारी रेसिपीज जो है, अगर पसंद आती है तो प्लीज जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। गुंदे की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए है ये गुंदे लिए हमने ये फ्रेश गुंदे लिए हैं। इसके साथ हमने लिया है ये बेसन, ये ग्रेटेड कोकोनट, सॉल्ट, पीनट्स का पाउडर और ये नींबू के फूल और बाकी जो हमारे रूटीन के मसाले हैं। तो ये गुंदे को जो है हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और ये बीच में से जो है हम इसकी जो सीड है वो निकाल लेंगे। इस तरह से जो है हम सारे गुंदे में से बीच में से जो सीड्स है इसकी वो निकाल लेंगे। अब जो है हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, और सब्जी की स्टफिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेसन। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, शुगर। गुजराती रेसिपी है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी शुगर जो है जाएगी। नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से नींबू के फूल, पीनट्स का पाउडर, ग्रेटेड कोकोनट और थोड़ा सा ऑयल। दो बड़ी चम्मच हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जो है अच्छे से बाइंड हो जाए, और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को जो है हम अच्छे से चला लेंगे। तो ये हमारी जो स्टफिंग है तैयार है, और ये जो हमने गुंदे को सीड्स निकाल के रखा था इसे हम स्टफ कर देंगे। अच्छे से जो है स्टफिंग को ऐड कर देंगे गुंदे के अंदर। अब हमने पैन में जो है ऑयल ऐड कर दिया है, और ऑयल में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, और हींग ऐड करने के बाद हम जो है स्टफ गुंदे इसमें ऐड कर देंगे। गुंदे को जो है हम लाइटली चला लेंगे, और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक के रख देंगे। इस तरह से थाली ढक के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और इसे जो है हम अराउंड 8 से 10 मिनट तक रहने देंगे। तो है बीच में जो है हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं। इस तरह से जो है अभी थोड़े कुक होने बाकी है, 5 मिनट हो चुके थे और अभी हम इसे और 5 मिनट तक रख देंगे। तो ये अराउंड और 5 मिनट्स हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कि हमारे गुंदे जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं, और मैंने गैस को जो है स्विच ऑफ कर दिया है। और हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो तैयार है हमारे गुंदे की सब्जी। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।